नवजोत सिंह सिद्धू पुत्र सरदार भगवान सिंह सिद्धू स्वतंत्रता सेनानी है ऐलान करदा कि अगर किते भी बेअदबी होवे चाहे कुरान साहब कुरान शरीफ दी होवे चाहे भगवत गीता दी होवे चाहे गुरु ग्रंथ साहब दी होवे सामने लोगों के लिया के फाह ला देना चाहिए। कांग्रेस की वही वेल डिजाइंड कॉन्स्पिरेसी जो 1980 के दशक की थी वही दोबारा से मन्नू सिंघवी के ट्वीट में स्पष्ट दर्शा रही है। खुद की सरकार और खुद ही कार्रवाई करने से भागकर और हमारे को मरवाने का काम करना चाहते हैं। सब तो बड़ी सजा इस संविधान की देनी चाहिए है क्योंकि वो साडियां जज्बातों के उत्ते ठेस है वो साडियां भावनावां के उत्ते ठेस है। इंसान च सुनन दा मादा होना चाहिए। गलतियां कोई भी कर सकता है लेकिन यह गलती नहीं एक कौम नू दबाउन दी साजिश है एक कौम नू खत्म करन दी साजिश है। सिद्धू कोई भी बात कर सकते हैं। जब सिद्धू सेल्फ बुलडोज करते हैं खुद अपनी पार्टी को बुलडोज करते हैं खुद उनकी सरकार के मुख्यमंत्री के साथ बेअदबी करते हैं खुद पूरी सरकार के साथ बेअदबी करते हैं तो उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए उस पर भी बताना चाहिए उनको। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है इसकी बहुत तय में जाके जांच करने की ज़रूरत है कि कौन से ऐसे लोग हैं कौन से ऐसे मंसूबे हैं जो पंजाब की अमन और शांति को भंग करना चाहते हैं। असी थोड़े मंगू नहीं है जेड़े असी सियासत खेडिए मैं तो पहले भी कहा सी जेड़े जेड़े इंसान जेड़े लीडर बेअदबी के गुरु के मामले च सियासत खेडणगे उन्हां दा कख नहीं रहूगा तो देखो कांग्रेस का कख नहीं रहना। साथ मैं अदिति त्यागी हूं। जल्दी से आपको बताएंगे वो सवाल जिसके माध्यम से आप ठोक सकते हैं ताल और वो सवाल है बेअदबी पर सरेआम फांसी वाला सिद्धू का बयान क्या तालिबानी है। एक बार फिर से सुनिए बेअदबी पर सरेआम फांसी वाला नवजोत सिंह सिद्धू का बयान क्या तालिबानी है। आप वोट कर सकते हैं zeenews.com/vote पर zeenews.com/vote पर आपकी राय का हमें इंतजार है। कुछ दिन पहले सियालकोट में श्रीलंकाई नागरिक के साथ जो हुआ क्या वो सही था। तालिबान अफगानिस्तान में जो करता आया है क्या वो सही है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी हुई गलत हुई लेकिन जिस तरह से लखबीर को सजा दी गई क्या वो सही थी। तो फिर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू क्या इन तरीकों को उस सजा को सही साबित करना चाहते हैं क्या चाहते हैं कि देश में सजा का तौर तरीका ऐसा ही हो। कपूरथला और अमृतसर में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले में दो लोगों की एक के बाद एक पीट पीट कर हत्या कर दी गई। अगर बेअदबी हुई तो वो गलत थी। पीट पीट कर व्यक्ति को मार दिया गया वो भी गलत था। लेकिन मलेरकोटला में जब रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भरे मन से कहते हैं कि ऐसे बेअदबी करने वालों को सरेआम फांसी पर लटका देना चाहिए तो क्या वो तालिबान पैटर्न को प्रमोट नहीं कर रहे। सिद्धू के बयान पर कांग्रेस खामोश सांप सूंघा हुआ है। कांग्रेस का आला कमान खामोश है। राहुल गांधी जो लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं संविधान को खतरे में बताते हैं चुप हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कांग्रेस इस धार्मिक बेअदबी के मामले में चुनावी फायदे के लिए भावनाएं भड़का रही है और इसीलिए ताल ठोक के हमारा सवाल क्या सिद्धू को तालिबान पसंद है। पंजाब में बेअदबी क्या एक षड्यंत्र है क्योंकि लगातार अमन चैन बिगाड़ने की एक बड़ी साजिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू के बयान के बाद सवाल यह भी क्या कांग्रेस तालिबानी सोच के साथ है। और एक और बड़ा सवाल पंजाब में बेअदबी के मामले 2017 में जिस तरह से आए क्या पंजाब में बेअदबी एक चुनावी प्रयोग है क्या इसका कोई चुनावी कनेक्शन है। ये वो सवाल है जो मुझाएंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं जल्दी से आपको बता देते हैं। श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ महेश इंदर सिंह ग्रेवाल हैं, प्रीतपाल सिंह बलीवाल हैं हमारे साथ पंजाब कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। देश रत्न निगम पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आम आदमी पार्टी से मेजर आरपीएस मल्होत्रा हैं। इंद्रजीत सिंह
टिट्टू जो हैं प्रेसिडेंट हैं गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के, लेकिन सबसे पहले सवाल यहां पर प्रणव धवन आपसे है और सवाल यही है, नवजोत सिंह सिद्धू जिस तरह सरेआम फांसी की बात कर रहे हैं, ये तालिबानी सोच को प्रमोट करती है कांग्रेस, समर्थन देती है? बिल्कुल गलत और बेबुनियाद बात आप यहां कह रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जी एक सरदार हैं, एक सच्चे सिख हैं, जहां पर उन्होंने बात कही कि अगर कोई भी ऐसी हरकतों को अंजाम देता है तो गुरु की संगत, उन्होंने गुरु की संगत के बारे में कहा कि जहां पर आक्रोश पैदा होता है ऐसे इंसान को एक व्यक्तिगत तरीके से कहा गया है, इसको राजनीतिक बयान मत समझा जाए। और इसको एक जो उन्होंने बात कही, कई बार एक मंच पर खड़ा इंसान अपने इमोशंस को देखते हुए भावुक होकर ऐसी बातें कर देता है। सद्दू साहब ने यह कहा कि ऐसे इंसानों को सूली पे टांगना चाहिए, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि कानून के दायरे से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कानून के दायरे से सूली पर टांगना चाहिए, ये कहने का मतलब है सद्दू साहब का। लेकिन जहां तक आज जो बेअदबी की बात आती है, प्रणव धवन जी आप ये भी कहते हैं कि बहुत इमोशनल हो गए थे, बहुत इमोशनल हो गए थे, और फिर आप ये भी कहते हैं उन्होंने सूली पर चढ़ाने की बात कही, सरेआम फांसी की बात कही उन्होंने, सर सरेआम फांसी कहां, फांसी आप जरा सुनवाइए, जरा एक बार फिर से नवजोत सिंह सिद्धू का बयान जरा सर को सुनवाइए। मैं नवजोत सिंह सिद्धू पुत्र सरदार भगवान सिंह सिद्धू स्वतंत्रता सेनानी है ऐलान करदा कि अगर किते भी बेअदबी होवे, चाहे कुरान साहब कुरान शरीफ दी होवे, चाहे भगवत गीता दी होवे, चाहे गुरु ग्रंथ साहब दी होवे, सामने लोगों दे ले आके फाहा ला देना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये कानून की बात कर रहे हैं? आपने सुना उन्होंने क्या कहा, क्या कहा, आप सुनिए। किसी भी धर्म की हो, अब आप किसी भी धर्म पर चले गए, मैंने तो किसी धर्म विशेष की बात ही नहीं की है प्रणव जी, मैंने तो किसी धर्म विशेष की बात ही नहीं की, मैंने आपकी बात नहीं करा। दीति जी बात सुनिए, सिद्धू साहब ने क्या कहा, चाहे कुरान शरीफ की हो, चाहे उन्होंने बोला श्री भगवत गीता की हो, या किसी की भी बात करी, उन्होंने सारे धर्मों को एक इंसानियत को इकट्ठा करके कहा है। आप समझिए, एक भावुकता एक जो आज उनमें दिख रही है, एक हर इंसान में है, क्योंकि वो इंसान जो परमात्मा को भगवान को मानता है वो अपने भगवान के साथ। प्रणव जी आप इस डिस्कशन को समझ नहीं पा रहे हैं सर, ये धार्मिक बेअदबी पर मैं आपसे डिस्कशन नहीं कर रही हूँ सर, ये जो तालिबानी सोच उस बयान से छलक रही है उसकी बात कर रही हूँ। बिल्कुल नहीं छलक रही, आप जो शब्द मेरे मुंह में डालना चाहते हैं मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, बिल्कुल गलत और बेबुनियाद बात है। आप मुझ पर आरोप मत लगाइए, मुझ पर आरोप मत लगाइए, मुझ पर आरोप लगाने से आप सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे, ये तथ्य छिप नहीं पाएगा। आपसे मैं ये पूछ रही हूँ, नवजोत सिंह सिद्धू, जो नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या कहा आपने सुना, बिल्कुल, क्या यही सोच कांग्रेस पार्टी की है, आप मुझे इतना बता दीजिए, ये पॉलिटिकल डिबेट है। फांसी किसको दी जाती है, एक मुजरिम को दी जाती है, फांसी शब्द कहां आता है, उस मुजरिम के लिए आता है जिसने गुनाह किया हो, जिसको कोर्ट अपराधी माने, तो उन्होंने उसी के बारे में कहा कि ऐसा गुनाह जो कोई करेगा उसको फांसी दी जानी चाहिए। और मैं समझता हूँ बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, अगर ऐसा कोई गुनाह करता है तो कौन देता है सर फांसी, कौन देता है उम्र कैद, कौन देता है प्रणव जी, कानून देता है ना, देश की अदालतें देती है, पब्लिक नहीं देती है, संविधान और कानून के मुताबिक उसको फांसी दी जानी चाहिए, यही कहा है सिद्धू साहब ने। आप एक बार फिर से सुन लीजिए, इनको सुनवाइए जरा फिर से सुन लीजिए सर, आई नो योर डिफेंस। नवजोत सिंह सिद्धू पुत्र सरदार भगवान सिंह सिद्धू स्वतंत्रता सेनानी है ऐलान करदा कि अगर किते भी बेअदबी होवे, चाहे कुरान साहब कुरान शरीफ दी होवे, चाहे भगवत गीता दी होवे, चाहे गुरु ग्रंथ साहब दी होवे, सामने लोगों के ले आके फाहा ला देना चाहिए। सब तो वड्डी सजा इस संविधान की देनी चाहिए है, क्योंकि वह साडियां जज्बातों के उत्ते ठेस है, वह साडियां भावनावां के उत्ते ठेस है। इंसान च सुनन का मादा होना चाहिए, गलतियां कोई भी कर सकता है, लेकिन यह गलती नहीं, एक कौम नूं डबाउण दी साजिश है, एक कौम नूं खत्म। यकीन है आपने सुना होगा, सरेआम लोगों के सामने लाकर, सरेआम लोगों के सामने लाकर, उन्होंने संविधान शब्द का भी इस्तेमाल किया है दीप्ति जी, आपने ये भी सुना सर, होगा संविधान के मुताबिक लोगों के बीच में फांसी नहीं दी जाती है, आप तथ्यों को घुमाइए नहीं सर।
मैं तथ्यों को नहीं घुमा रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं जब एक 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 परमात्मा की एक गुरु की बात आती है, कहीं ना कहीं एक इंसान भी, एक राजनेता भी एक इंसान है जो भावुक हो जाता है। और अगर ठीक है, आपने कहा कि हाँ वो भावुक हो गए, अब आपने ये कहा वो भावुक हो गए, क्या कांग्रेस पार्टी की भी यही लाइन है? मैंने उनको नहीं कहा, कांग्रेस पार्टी की भी, अभी आपने कहा सर, मैंने कहा, और ये आपने पहली बार नहीं कहा, ये आपने तीसरी बार कहा इस डिस्कशन में कि वो भावुक हो गए, वो भावुक हो गए। मैंने ये नहीं कहा वो भावुक हुए, मैंने कहा कि इंसान भावुक हो जाता है जब भी किसी बात आती है। संविधान नाम लिया, उन्होंने कहा अगर ऐसी कोई हरकत करता है तो संविधान के मुताबिक उसको फांसी दी जानी चाहिए, ये सिद्धू साहब ने कहा है। ये तालिबानी कहां से हो चुका, ये एक इंसानियत के नाते भी हम कह सकते हैं, एक जनरल तरीके से भी इसको दोहराया जा सकता है। सर आप डिफेंड कर लीजिए, आप डिफेंड कर लीजिए, आप जिस सेंटेंस पे बात नहीं करना चाहते, सरेआम पब्लिक के सामने वो बात कर रहे हैं आप, अगर आपको लग रहा है कि उसमें कोई बुराई नहीं है तो सर सवाल तो पूछा जाएगा। वैसे आपको कोई बुराई भले ही ना दिख रही हो, लेकिन आपने दर्शकों को मंच दिया था, दर्शकों से कहा था कि वो अपनी बात, अपनी राय हम तक पहुंचाए, तो बेअदबी पर जो सवाल नवजोत सिंह सिद्धू का बयान है उसे लेकर लोगों के जो रिएक्शन है उसका, उसका उस पोल के अब तक के जो नतीजे हैं वो दर्शक देख पा रहे हैं। 97% लोग कह रहे हैं, 97% लोग कि तालिबानी सोच छलकती है उसमें से। ये आपके लिए प्रणव जी, ये इन्फॉर्मेशन अभी तक के पोल के मुताबिक। जल्दी जल्दी एक कमेंट प्रीतपाल सिंह बालीवाल आपका, और उसके बाद एक कमेंट लेंगे मानशिंदर सिंह ग्रेवाल का, जल्दी जल्दी प्लीज। देखिए अदिति, जो नवजोत सिंह सिद्धू है उसकी क्या बात करें, वो तो एक नौटंकी सर्कस है, कॉमेडी सर्कस है, जहां मर्जी ले जाओ वो ऐसी बातें करेगा कि मीडिया को हाइप मिले और मुझे दिखाए लोग। उसने तो आज भी कल भी एक हमारे लीडर्स के खिलाफ जो थे कांग्रेस के, उनके खिलाफ टिप्पणी करी है। बात ऐसी है कि कोर्ट ने और प्रोविजन है 10 साल की सजा की। आज मनु सिंघवी जी की ट्वीट देख लीजिए, भैया सरकार किसकी है पंजाब में, किसने पकड़ना था, आपके सामने थे वो लोग, आपकी पुलिस निकाम हुई है, साजिशकर्ता पकड़े जाते कौन है? गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करने जो स्वर्ण मंदिर में गया, बिल्कुल गलत था, उठा के उसे फेंका गया, लोगों के इकट्ठे उसे खत्म कर दिया। पर कोटकपुरा में क्या हुआ है, वहां पे तो बचा सकते थे, पुलिस अंदर थी, सब कुछ था वहां पे, साजिशकर्ता लोग ये खत्म करना चाहते हैं। मुझे तो ये शंका भी है कि ये चीजें, क्योंकि सरकार जाने वाली है, अगर नवजोत सिंह सिद्धू इतना ही सीरियस है, जो पुराने मामले हैं उनके, उन इश्यूज पे क्यों नहीं फांसी की सजा अभी तक सुनवाई गई, क्यों चुप बैठा है? आज धरने लगाने बैठा है नवजोत सिंह सिद्धू कोटकपुरा जाके, हाई कोर्ट ने सिट बनाई को 6 महीने का टाइम हो चुका है। प्रीतपाल सिंह आप ये कह रहे हैं पंजाब से कांग्रेस बाहर जा रही है सत्ता से, ये बौखलाहट है और इसलिए इस तरह के मामलों को उठाया जा रहा है? बिल्कुल सत्ता से तो बाहर हो रही है, 8 से 10 ठीक है, प्रणव जी जवाब दीजिए, प्रणव जी जवाब दीजिए जल्दी से, उसके कारण ये ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं यहाँ पे आके। देखिए जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस सत्ता से बाहर नहीं, सत्ता से इन हो रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक आज कांग्रेस में आते हैं, कुछ अकाली दल के वर्कर आज कांग्रेस में शामिल होते हैं, ये क्या दर्शाता है? ये लोगों का विश्वास कांग्रेस में दर्शाता है, जो कांग्रेस सदा ही एक आम वर्ग की आवाज उठाती आई है, जो कांग्रेस सदा ही आम व्यक्ति की आवाज उठाती आई है। उन्होंने आपसे पूछा पिछली जांच जो हुई उनमें क्या निकल कर आया सामने, सर ये पूछा उन्होंने आपसे। देखिए एसआईटी का, देखिए मेरी बात समझिए, 1.5 साल मैं बात करूं, 1 साल और 6 महीने बेअदबी के बाद अकाली दल और भाजपा वालों को तो, अरे वो पुलिसकर्मी नहीं मिल रहे थे जो ऑन रिकॉर्ड ऑन वीडियो पे वहां पर चलते नजर आए, यूट्यूब पे वीडियो है, आप डाउनलोड करके आज भी देख लीजिएगा, लेकिन उसको सामने लाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया, उन पुलिसकर्मियों को सामने हम लेकर आए, उनको पर्दाफाश हमने किया और आज उनको हमने पीछे धकेला। दूसरी बात मैं एक सुन लीजिए, आपको काउंटर करना चाह रहे हैं, एक सेकंड, एक कमेंट में लूंगी मानशिंदर सिंह ग्रेवाल का। मानशिंदर सिंह ग्रेवाल 2017 में इसी तरह के मामले थे और कहा जाता है, एक्सपर्ट्स कहते हैं इन्हीं इसी तरह के मामलों की वजह से अकाली दल सत्ता से बाहर हुआ। आदित्य जी बहुत अफसोस की बात है कि कांग्रेस धर्म पर राजनीति कर रही है और ये इनकी राजनीति का नतीजा है कि लोग बेदबी के इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं। मैं आप जो आज आपने इशू उठाई है, मैं आप कांग्रेस के प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड क्या है, क्योंकि मन्नू सिंह भी तो ट्वीट कर रहे हैं कि बेदबी हुई गलत हुआ, पर उसको मारना भी गलत हुआ, उस पर केस होना चाहिए। उसको सपोर्ट करते हैं सुनील जाखड़, सिद्धू साहब बोलते हैं फांसी लगा देना। पहले तो ये जो स्पोक्समैन है कांग्रेस के, ये अपना स्पष्ट करें कि ये किसको सपोर्ट करते हैं। मनु सिंह भी जो के सवाल सवाल पूछ रहे, प्रणव धवन दीजिए जवाब, कांग्रेस पार्टी किसके साथ है, सिद्धू के साथ है या दूसरे नेताओं के साथ? ग्रेवाल साहब,
ग्रेवाल साहब कितनी चतुराई से अपनी नाकामियों से पर्दा हटाते हुए निकल गए। अरे भैया आपने वो जवाब नहीं दिया कि जब आपके समय ये हरकतें हुई तब वो किसने करी? कांग्रेस आम आदमी के साथ है, आप रेस्पॉन्सिबल के साथ है, जो पंजाबी है गुरु साहब की बेइज्जती के लिए, आपको पंजाबियों ने बेइज्जती के लिए रेस्पॉन्सिबल है, आप अपनी बात करते हैं पंजाबियों ने पंजाब में से बाहर निकाल देंगे जितनी जितनी गलियां राजनीति बनाए जिसने हजारों से दिल्ली में मारे, आप झूठ क्या बोल रहे हैं, आप झूठ क्या बोल रहे हैं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, ये आपकी मानसिकता है, ये आपकी मानसिकता है, जब एक प्रवक्ता की बात खून से आपके हाथ लगे हुए हैं, आपके सिक्कों में खून से हाथ लगे हुए हैं, आपने जो कुछ किया आपके पाप से कर रहे हैं, जो अपने गुरु साहब पर राजनीति किया है, आपका पंजाब के साथ जो विद्रोह किया है, पंजाबियों को जो लूटने का काम किया है, वो आपकी जनता कभी माफ नहीं करेगी। इसलिए आने वाले समय में आप 2022 में देखिएगा पंजाब की जनता आपको किस तरह से निखारेगी। आपको बात करते हैं अग्रवाल साहब, उसको कहां थे आप जब मंत्र बराबर थे 117 करने के लिए? अरे सुखबीर सिंह बादल साहब गृह मंत्री थे, गृह मंत्रालय था पंजाब का, उसको कहां थे आप? मुझे इस बात जवाब दीजिए, सीएम ऑफिस से रात में 14 बार फोन आता है, आपके पुलिस आपके हक में नहीं है, जब बैबल कला गोली कांड जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल बेबुनियाद है, झूठ है, आपको शर्मिंदगी होनी चाहिए, आज भी लोगों के साथ खड़ी है, पंजाबियों के साथ खड़ी है, और पंजाब के लोगों की आवाज को हम इंदिरा गांधी के बाद सिखों को मारा जा रहा था, ये आपकी मानसिकता है, जब एक प्रवक्ता बोलता है आप उसको दबाने का काम करते हैं। अरे भैया ठीक है, मैं दोनों को रोकूंगी, मैं शिंदू सिंह ग्रेवाल और प्रणव धवन, मैं दोनों को रोकूंगी, एक कमेंट में जो मल्होत्रा आपका लूंगी, आम आदमी पार्टी किस तरफ है? ये एक अत्यंत ही निंदनीय घटना है और इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं नवजोत सिंह सिद्धू के कानून के मुताबिक पूछ रही हूँ सर, एक मिनट, वही मैं उसी पर ही आ रहा हूँ, सजा जो है कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए, और ये सिद्धू साहब जो इतना उछल कूद मचा रहे हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि 2015 अक्टूबर में जो बरगाड़ी में बेअदबी का मामला हुआ था, अभी 5 साल तो आपकी सरकार रही, आपने क्या इंसाफ दिया अब तक? पंजाब के लोग जो है अभी तक उनके जो हृदय जो है विकसित पड़े हैं, लोग इतने दुखी हैं कि अभी तक इंसाफ नहीं हुआ, अभी तक आपने क्या दिया? और आप उछल उछल के कह रहे हो कि फांसी पे लटका देना चाहिए, ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं इनके, इन्होंने जमीन पे कुछ नहीं करना, कोई लोगों को इंसाफ नहीं देना, ये सिर्फ शोर मचाने वाले लोग हैं, सिर्फ शोर मचाने वाले लोग हैं। जल्दी से एक जवाब यहाँ पे प्रणव धवन, ये कह रहे 5 साल हो गए, क्या किया आपने? मैं जरा आम आदमी प्रवक्ता को एक जवाब दे दूं, आप पंजाब की बातें करते हैं, पंजाब के लोगों से हाथ जोड़ के आपने वोटें मांगी और आपके 10 विधायक आपको छोड़ के आज कांग्रेस में शामिल हो गए, शर्म नहीं आती आप पंजाब की बातें करते हैं? अरे भैया उन क्षेत्रों का सोचिए, उन विधानसभा क्षेत्र जहां पे आपने लोगों से हाथ जोड़ के वोटें मांगी, उनके विकास की बातें करी, आज की पीठ पे छुरा मारकर आप निकलते हुए वहां से, शर्म नहीं आती आम आदमी पार्टी को? डबल स्टैंडर्ड आम आदमी पार्टी बातें करती है, जब केंद्र मोदी सरकार ने काले कानून लागू किए तो आपने दिल्ली में अपनी बहुमत को दिखाते हुए 23 नवंबर 2020 को उसको लागू किया, और पंजाब में आप किसानों की हक की बातें करते हैं, आज आप ही के आप बात करते हैं पंजाब की? अरे पहले आप पंजाब को गारंटियां देते हैं, दिल्ली में वो चीजें लागू की आपने, मुझे ये बताइए सर, आप लोग तो वोटों में ही खोए हुए हैं, पंजाबी आप तो वोटों में ही खोए हुए हैं, वोटों की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, थोड़ी सी संजीदगी दिखाइए, थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखाइए। हमारे साथ तनवंत सिंह वाइस प्रेसिडेंट है दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के, वो जुड़ गए। तनवंत सिंह जी, हमने पहले ही क्लियर किया कि किस तरह से धार्मिक बेअदबी पर हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जो नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा कहा गया कि सरेआम पब्लिक के सामने लटका देना चाहिए, फांसी दे देनी चाहिए सर, इस तरह के स्टेटमेंट्स, इस तरह के बयान क्या नुकसान नहीं पहुंचाते, तालिबानी सोच नहीं दिखाते? आप मेरे से पूछ रही हैं? जी 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 जी, तनवंत सिंह जी आपसे पूछ रही हूं। देखिए, ये जो घटना श्री दरबार साहब में घटित हुई है, ये घटना तो धर्म के मामले से जुड़ी हुई है, बिल्कुल इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जितने भी सिख जगत में रह रहे हैं उनका सबका
दिल जो है वो इस हमले से बहुत ज़्यादा घायल हुआ पड़ा हुआ है। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये धर्म है, जो धर्म हमें ये कुछ सिखा गया कि जन जन की सेवा कैसे करनी है हमने, और जितनी भी त्रासदियाँ आती हैं, ये जो भी ऐसी आपदा आती है तो सिख धर्म सबसे ऊपर क्यों होता, क्यों जाता है सिख, क्योंकि इसी से सीख मिलती है हमें, श्री दरबार साहब से हमें सीख मिलती है। और उसी पे इस तरीके की ऐसी घटना हो जानी, मैं तो क्या, सारा दुनिया सारा देश में जितने भी सिख रहते हैं, गुरु नानक नाम लेवा रहते हैं, उनका सारों का दिल जो है इस वक्त घायल हुआ पड़ा। तनवंत जी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस पर तो कोई सवाल की गुंजाइश ही नहीं है, इस तरह की बेअदबी तो बर्दाश्त नहीं की जा सकती, लेकिन जिस तरह की सजा की बात नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं, सवाल तो उस पर है जी। देखिए मेरी बात सुनिए, सिद्धू साहब ने जो कहा है वो उनका आक्रोश हो सकता है, उनके मन की भावना हो सकती है, लेकिन यही भावना पता नहीं कितने सिखों की होगी जो कि बोल नहीं पाते, क्योंकि ये धर्म का मामला है। मैं पहले भी आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बड़े आदर से बोल रहा हूँ कि ये जो मामला है, ये जो है ये धर्म का मामला है, धर्म में कैसे बख्शा जाना चाहिए ये तो अब एजेंसियों को चाहिए। एजेंसियाँ अगर ईमानदारी से काम करके इन चीज़ों को बिल्कुल सामने स्पष्ट ला देती हैं, तो फिर ये मामला जो सिद्धू साहब बोल रहे हैं उसका तो औचित्य तभी होगा ना, इससे पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। कोई बोलता है बोलता है, वो उसकी मन की भावना है। तो आप कह रहे हैं कि एजेंसियों को इसका सच सामने लाना चाहिए? मन की भावना है, बिल्कुल एजेंसियों को ईमानदारी से काम करना चाहिए, ये धर्म का मामला है। एजेंसियां को, एजेंसी जो भी है वो, चाहे स्टेट की एजेंसी हो या वो दूसरी एजेंसी हो या सबसे सर्वोच्च वैसे तो एजेंसी होनी चाहिए जो कि ईमानदारी से काम करे। लेकिन आप प्रीतपाल सिंह से क्या कहेंगे, वो कह रहे इसमें साजिश हो सकती है। जैसे ईमानदारी से का देखिए, ये भी साजिश, हम ऐसे कैसे, हम तो देखिए मेरी बात सुनिए, सच बोलना हमें गुरु महाराज ने सिखाया। मैं सच बोल रहा हूं कि जब तक ये जांच नहीं होती और ये नसूर का जो फोड़ा खड़ा हो गया हमारे पे, उसकी जड़ों तक नहीं पहुंचते, हो सकता है कि इसके पीछे भी किसी का हाथ हो, लेकिन जब तक ये जांच ईमानदारी से कोई एजेंसी नहीं करती, तब तक इस पे कहना क्या कहेंगे हम लोग, बताइए ना। लेकिन सर सवाल तो फिर भी रहेगा, जिस तरह की सजा को नवजोत सिंह सिद्धू एडवोकेट कर रहे हैं उसे लेकर सवाल रहेगा। प्रीतपाल सिंह कुछ कहना चाह रहे थे, प्रीतपाल सिंह जल्दी से आपका कमेंट, जल्दी से। देखिए अदिति, दो चीजें हैं, आप कांग्रेस से क्या पूछ रही हैं और वो क्या जवाब दे रहे हैं। मैंने पूछा कि 3 दिन में 3 बार बेअदबी की घटना हुई, कुछ लोग पकड़े जा सकते थे, पकड़े नहीं गए, जैसे दरबार साहब में पहले गुटका साहब की बेअदबी करके उसमें सरोवर में फेंकी गई, वो बंदा पकड़ा भी दिया गया, कोई जांच नहीं हुई, उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। फिर 2 दिन बाद फिर ऐसी बेअदबी होगी, जिसे हमारे जो वहां पे संगत थे उन्होंने उस आदमी को मार मुकाया, बट जो कोटकपुरा अपना वहां पे हुआ है कपूरथला में, उस आदमी को पकड़ा जा सकता था बट पुलिस ने नहीं पकड़ा, दैट इज वेरी क्लियर। और मैं 2 चीजों की तुलना कर रहा हूं, मैं अभिषेक मनु सिंघवी की बात कर रहा हूं, वो कह रहे हैं कि ये होना चाहिए थे, पकड़ा जाना चाहिए, और दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू जो फांसी की बात कर रहे हैं, ये 6 महीने से प्रेसिडेंट है, ये बताए तो सही किसको फांसी दी है, इन्होंने तो जगदीश टाइटलर को लाकर कांग्रेस पार्टी के सिर के ऊपर उठा दिया, जिसने हजारों सिखों का कत्ल किया है, वो कांग्रेस पार्टी की अगर ये विचारधारा है, कैसे हैंड टू डेथ कर देंगे वहां पे। हमारे यहाँ पे लॉ है 10 साल की सजा का, पकड़े जाने पे लॉ अमेंडमेंट करवाए ना, किनकी सरकार है वहां पे, करवाए फांसी की सजा प्रावधान में। प्रणव धवन, जल्दी से आपका जवाब। प्रणव धवन, होनी चाहिए सजा, सबसे सबसे गंदी चीज है, खत्म कर देना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू लॉ, वो लॉ ऑफ द लैंड जो कह रहा है। नहीं, आप क्या कह रहे हैं, बट जो नवजोत सिंह, एक सेकेंड, आपने क्या कहा प्रीतपाल सिंह, कत्ल कर देना चाहिए? मैंने ये कहा खत्म कर देना चाहिए, अगर ऐसी कोई लॉ ऑफ द लैंड कह रही है जो सजा देनी चाहिए उसे खत्म कर देनी चाहिए, लॉ ऑफ द लैंड जो कहेगा उसके अकॉर्डिंगली अगर फांसी का प्रावधान है वो विधानसभा बनाएगी, और विधानसभा में कौन बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार है। बातें मत करें नवजोत सिंह सिद्धू, काम करें,
यहाँ पर हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि पैनलिस्ट की राय निजी राय होती है, चैनल उसे इंडोर्स नहीं करता, और साथ ही हम सारे पैनलिस्ट से ये भी रिक्वेस्ट बार बार करते हैं, अपील ये बार बार करते हैं, क्योंकि हम एक रेस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म है, करोड़ों दर्शक इस डिस्कशन को देखते हैं, तो संयम रखें, तार्किक तरीके से अपनी बात यहां पर रखें। प्रणव जी, सवाल बहुत सारे हैं आपकी पार्टी को लेकर, सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, चुनावी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, क्या जवाब है? आपकी पार्टी इस वक्त डरी हुई है, जानबूझकर इन मुद्दों को गर्म किया जा रहा है। सबसे पहले तो अदिति जी, मैं धन्यवाद करता हूं तनमन सिंह जी का, जिन्होंने बहुत बखूबी तरीके से आज जो सिखों की भावनाओं को रखा और एक आम व्यक्ति की भावनाओं को भी उन्होंने बताया। मैं यही बात आपको पहले कहने की कोशिश कर रहा था, जो हमारे सर आपसे जो सवाल है आप उन सवालों के जवाब दीजिए सर, आपसे पॉलिटिकल सवाल है, तनवंत जी जो कह रहे हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, आप अपनी आपकी पार्टी में जो पॉलिटिकल सवाल है उन पर जवाब दें। इसलिए मैं उनकी बात का समर्थन किया है, मैं एक एक कर आ रहा हूँ। दूसरी बात, जो बलेवाल साहब ने बात कही, मैं ये भी बता दूं कि जो इन्होंने कहा आज निजामपुर में, वहां पर तीन जो पुलिस के लोग थे, जो पुलिसकर्मी थे, अधिकारी थे, वो भी जख्मी हुए जब उन्होंने लोगों को रोकने की कोशिश की, तो वहां की जो गुरु नामी संगत थी वो इतनी भावुक हो चुकी थी उस वक्त, ताकि पुलिस वालों को भी वहां पर रोकने में मुश्किल आई और उनको भी चोटें लगी। इसीलिए धारा 305 और 306 जो वहां पर दो FIR दर्ज हुई है, 295 धारा 1 को लेकर, धारा रिपोर्ट आ पाई है, क्या कह रहे हैं 2017 में जो SIT बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट आ पाई है। 2017 में जो आप SIT की बात कर रही हैं, पहले जस्टिस रंजीत सिंह कमीशन कौन लेके आई? पंजाब की कांग्रेस सरकार। उसके बाद SIT का गठन किसने किया? पंजाब की कांग्रेस सरकार। अरे भाजपा वाले और अकाली दल वाले, इन्होंने तो ये फाइलें हमसे खींच के केंद्र में दे दी थी, उनसे वहां पर उनसे लड़के फाइलों को पंजाब में लाने का काम किसने किया? कांग्रेस की सरकार ने किया। देखिए आज हम इस मुद्दे पर मैं राजनीतिक बयान ना करना चाहूँ, केंद्र सरकार को दे दिए थे, ले लीजिए जवाब लीजिए उनसे। महेशिंदर सिंह, मेरा ख्याल अदिति जी, या तो ये बहुत नॉर्मली हैं, इनको ये नहीं पता कि इनके राहुल गांधी, इनके उस टाइम के कांग्रेस के प्रेसिडेंट अमरिंदर सिंह जी ये मिले थे उधर के CBI को दी जाए, और जब CBI को इनने दबाई तो अकाली दल क्या करेगा? ये तो रले हुए हैं, जो दोषी है, जो बेदबी कर रहे हैं उसके लिए डायरेक्टली कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल है, कांग्रेस, क्योंकि इसको पॉलिटिकल एजेंडा बुला लिया इनका, और ये बेदबी करवानी चाहते हैं रेगुलरली, और इसको एजेंडा यूज करना चाहते हैं। पर मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, दे आर प्लेइंग विद फायर, बहुत जब इन पर रिवर्ट करेगी, इनको कीमत अदा करनी पड़ेगी, जो इन्होंने पंजाब में आग लगाई है, ये लोग इससे माफ नहीं किए जाएंगे। ये बात करते हैं बेदबी की, ये करते हैं बात ह्यूमन राइट्स की, तो पूछो एक भी आदमी को इन्होंने 1984 के कातल की सजा दी, सबको लीडर बनाया, HKL भक्त मिनिस्टर, सज्जन कुमार मिनिस्टर, टाइटलर मिनिस्टर, और ये बात ह्यूमन राइट्स की करते हैं, दे शुड बी अशेम्ड ऑफ देयर एक्शन। प्रणव धवन, 2018 में कांग्रेस की सरकार ने क्या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया कि नहीं किया? और नवजोत सिंह सिद्धू को ये नहीं पता? फिर एक बात मैं जरा गरेवाल साहब की बात का जवाब दे दूं। गरेवाल साहब, पंजाब के लोगों ने आपके श्रोमणी अकाली दल और भाजपा के मुंह पर कालक पोच कर उनको सत्ता से बाहर किया, बेहद भी जिसके समय पे है, और उसके कारण उनको सजा भुगतनी पड़ी। रही बात दूसरी, अगर कांग्रेस की लोग, मैं आपके बीच में नहीं बोला, बात देखिए, बात सुनने का मादा रखिए, इतनी मानसिकता आप में होनी चाहिए कि अगर कोई प्रवक्ता बोलता है तो उसके बीच में नहीं बोला जाता, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मेरी विनती है सुनिए मेरी बात को। दूसरी बात, अगर कांग्रेस ने आज लोगों के मुद्दों को उठाया, और आज कल चन्नी साहब ने क्या बोला, वो कितने भावुक थे, खुद मुख्यमंत्री अगले ही दिन वहां पर पहुंचते हैं, और वहां पर डिप्टी CM हमारे पंजाब के सुजिंदर रंधावा जी भी पहुंचे, 48 घंटों के अंदर अंदर जांच की रिपोर्ट मांगी गई है, नई एसआईटी गठित कर दी गई, बेअदबी हुई, उसे सजा भुगतनी पड़ी, इस बार तो कांग्रेस पार्टी के रहते हुए हुई है, तो अब आपको भी सजा भुगतनी पड़ेगी। ठीक है, देश रत्न निगम जी, लॉ एंड ऑर्डर, वी गो बाय लॉ ऑफ लैंड, कांग्रेस कमेंट आपका, उसके बाद टिट्टू जी एक कमेंट आपका, प्लीज जल्दी जल्दी। देखिए अदिति जी, मैं बहुत देर से सबको सुन रहा हूँ, और गुरु ग्रंथ साहब निशान साहब हमारे लिए श्रद्धेय हैं, पूजनीय हैं, हम उसका आदर करते हैं, तो उनका अनादर किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमें ये भी देखना है कि हम अपने देश को काबुल और सीरिया ना बनने दें,
और जैसे वहां पर बिजली के खंभों पे और पेड़ों पे लटका के फांसियां दी जाती हैं, वो हमारे हिंदुस्तान में नहीं हो सकती। हमारे यहाँ विधि कानून का राज है, रूल ऑफ लॉ है, उसके तहत जो सजा है वो मिलनी चाहिए। वैसे आपने शुरू में सही बोला था, सवाल उठाया था कि क्या ये चुनावी प्रयोग है, चुनाव से पहले पंजाब को आग में झोंकने की तैयारी हो रही है, कुछ ऐसा कर दिया जाए जिससे कि वहां ध्रुवीकरण हो जाए, और जिसका फायदा किसको मिलेगा? इस षड्यंत्र का पर्दाफाश होना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि लगातार 3-4 ऐसे घटनाएं हो गई हैं जिससे कि साफ जाहिर हो रहा है कहीं ना कहीं कोई साजिश जरूर नजर आ रही है। तो इसको इतना हल्के में ना ले। और दूसरा, जो सिद्धू साहब ने बोला है, वो इस तरह के बयान देते ही रहते हैं, और तालिबानी जो सोच है, ये हमारा भारत है। देखिए, तालिबान इसको ना हम बनने देंगे ना ये बनेगा। हमारे सिख भाई लोगों ने कितनी सेक्रीफाइस दी हुई है अपनी पूरे के पूरे उसमें, और ये हमारे जो गुरु ग्रंथ साहिब है और निशान साहिब है, हमारी सभ्यता और संस्कृति का अभिव्यक्ति है, ये अभिन्न अंग है। तो इस विषय पर भी इन सबको ध्यान देना चाहिए, और निशान साहब को और गुरु ग्रंथ साहब को इस स्तर पे ना लाए, ये जो कुछ लोग जो राजनीति कर रहे हैं जिससे कि लोगों के मन में भावनाएं भड़कें। तो इस बात का हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि पंजाब के चुनाव है, प्रयोग आप अपने घरों पे करें, जनता के साथ प्रयोग ना करें और आग ना लगाएं पंजाब में। पंजाब बहुत मुश्किल से शांत हुआ है, चुनाव को देखते हुए सब हो रहा साजिश है। देखिए देखिए आदित्य जी, मैं आपके साथ कई दफा एज ए पॉलिटिशियन कई डिबेट्स में बैठ चुका हूं, और आपने आज वाली डिबेट को भी एक पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया, जबकि आपने गुरुद्वारा के मेंबर और सब लोगों को बिठा रखा है। आप बहुत सीनियर लीडर है, मुझे क्या नाम, सीनियर पत्रकार हैं। आप ये बताइए कि हमें गुरु ग्रंथ साहब को क्या मानते हैं? हमारे को जब पिताजी 10वें गुरु ये कह गए थे, अब हमारे बाद ये गुरु ग्रंथ साहब आपके गुरु हैं, सब सिखों को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। हम अपनी सारी प्रतिक्रिया गुरु ग्रंथ साहब जी के साथ एक हाजर नाजर जैसे शरीर के साथ करते हैं। सर्दियों में हम गर्म कपड़े बाबा जी गुरु ग्रंथ साहब जी के ऊपर विराजमान कराते हैं, गर्मियों में हम एसी लगाते हैं बाबा जी के कमरे में, तो हम उनको हाजर नाजर पिता मानते हैं। ये राजनीति नहीं होनी चाहिए इस चीज में। और आप देखिए, जिस शख्स ने भी ये हालात करे पैदा करे, जिसके लिए आज कई सिख हमारे बुजुर्ग माता बहन तो 2 दिन से घर पे अपने सो नहीं पाए हैं और गुरुद्वारों के बाहर पहरे लग रहे हैं कि अगले 2 महीने 5 स्टेटों में चुनाव है, पता नहीं कौन आदमी कौन हमारे पिता के साथ, कौन हमारे गुरु ग्रंथ साहब का जिनको आजम नादर पिता मान रहे हैं, कौन आदमी किस रूप में शरारत कर दे। बिट्टू जी, गुरु ग्रंथ साहिब के महत्व, उसकी महिमा के बारे में तो कोई सवाल ही नहीं है सर। डिस्कशन तो नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस तरह की सजा को एडवोकेट किया उस पर है सर, आप शायद इस बात को समझ नहीं पाए। गुरु ग्रंथ साहिब पे कोई डिबेट हो सकती है कि टिट्टू जी? कोई डिबेट नहीं हो सकती, क्या उसमें बहस की गुंजाइश है क्या सर? कोई गुंजाइश ही नहीं है। तनवंत सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका जवाब लीजिए। देखिए वो कुछ कहना चाह रहे हैं जी। दीप्ति जी देखिए एक बात मेरी बिल्कुल, मैं अपने दिल से कह रहा हूँ कि ये धर्म का एक मसला है, जो धर्म के बाद राजनीति अलग है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूँ कि जो गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब हैं वो हमारे लिविंग गुरु हैं। दीप्ति जी, लिविंग गुरु साक्षात हैं, बिल्कुल सुबह से शाम तक वहाँ से गुरबाणी का जो प्रसारण होता है करोड़ों सिखों में जाता है, और सुबह हम अरदास करते हैं वहाँ पर अपने इष्ट से। सारे दिन का हम ये कहते हैं कि हे मेरे सच्चे पातशाह, हमें इतना बल बख्श कि हम लोगों की सेवा करें, दुनिया की सेवा करें, हम लंगर लगाएं, हम हर जगह जाएं, कोई दुखी है उसकी सहायता करें। ये सीख हमें हमारा लिविंग गुरु दे रहा है, इज अ लिविंग। तो लिविंग पे हमला हो तो देखिए, ये मैं धर्म की बात कर रहा हूँ कि अगर लिविंग पे अगर ये हमला होता है तो हम कहाँ रह जाते हैं, कहाँ खड़े हैं? कहने को तो जो मर्जियाँ कह दो, करो ना। अगर किसी ने कहा ये बयान दिया है तो करो ना। हमने दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में, जब हमें इंसाफ नहीं मिला, 35 साल नहीं मिला, इन्हीं कांग्रेसियों ने नहीं दिया हमें इंसाफ, तो हमने वहाँ पर 1984 का सिख मेमोरियल बनाया। ये सिखों का वाहिद एक पहला मेमोरियल है। वह मेमोरियल इसलिए बनाया, चलो उनके लिए हम अरदास तो कर पाए, लेकिन हम अरदास करते हैं वहां पर जाके जिन लोगों के घरों के घर उजड़ गए, जिनके लोग
दुनिया से चले गए 1984 में, वो वहां आते हैं, आके अरदास करते हैं। आप देखिए ना, धर्म जुड़ा हुआ है इससे। ये हमारे उस परिसर में जाना जहाँ पर हमारे लिविंग गुरु बैठे हुए हैं दरबार साहब में, ये चले जाना और वहाँ पर ऐसी हरकत करनी कौन बर्दाश्त करेगा दीप्ति? ये अब धर्म का मामला, मैं बार बार धर्म कह रहा हूँ, इसलिए कि राजनीति को, मैं राजनीति में बहुत बातें कर सकता हूँ, मैं बहुत बातें कर सकता हूँ, मैं राजनीति पर बहस का मुद्दा ही नहीं है सर। मैं मानता हूँ दीप्ति, दीप्ति बार बार मैं यही स्पष्ट कर रही हूँ कि धर्म पर तो बहस का कोई मुद्दा ही नहीं है। हम आज जो डिस्कशन कर रहे हैं, हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा जो कहा गया उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। आपने कांग्रेस पार्टी को कटघड़े में खड़ा किया, तनवंत सिंह जी जवाब ले लीजिए। प्रणव धवन, हाँ ठीक 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 बात कह रहे हो आप। हाँ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सिद्धू साहब बोलते हैं लेकिन करें भी तो सही ना, लाए ना अच्छी एजेंसी। अब इनकी सरकार है वहां पर और प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट भी है, लाए ना वहां पर एजेंसियां लाएं और करें और ईमानदारी से करके बताएं क्या हुआ। ये हम ये जवाब चाहते हैं इनसे। तो कांग्रेस सरकार ने ही 2018 में आजीवन कारावास वाला बिल पास किया था ना, कानून बनाया था सर। हाँ जी, तो नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं पता है प्रणव धवन जी? तो ये चीजें कहीं कहीं ना कहीं अदिति जी, आप बार बार जो बात कह रही हैं, नवजोत सिंह सिद्धू, देखिए पहली बात मैं एक बात बोलूं, आपने बोला और यहाँ पे सभी ने बोला कि ये कहीं ना कहीं ये मुद्दा धर्म से जुड़ता है। मैं आज नवजोत सिंह सिद्धू जी की सिर्फ बात नहीं करता, किसी भी राजनीतिक नेता का धर्म पर, आप धर्म का सियासी इस्तेमाल करते हैं आरोप आपके ओपोनेंट्स ने लगाया, धर्म से तो जुड़ता है। या तो आप कह लीजिए या मुझे कहने का मौका दीजिए। सवाल पूछ रहे आप जब सेफ रूट आउट ढूंढने लगते हैं दूसरे पैनलिस्ट के पीछे जाकर सर, तो बात नहीं चलती है। दूसरे पैनलिस्ट की आड़ मत लीजिए, आपसे जो सवाल है उनके जवाब दीजिए। आ रहा हूं मैं आपकी बात पर, आइए और अग्रेसिव मत होइए, जवाब दीजिए। देखिए मैं बिल्कुल दे रहा हूं और सहनशीलता से दे रहा हूं, मेरी बात सुनिए। मैं एक विनती करता हूं आपसे, ये एक मैं सिर्फ ये नहीं कि मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं किसी पार्टी के बारे में यहां पर बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ किसी भी राजनेता का नाम जब ऐसे मुद्दे पर आप जोड़ेंगे या कोई भी चैनल जोड़ेगा, तब जो चीजें आज धर्म से जुड़ती हैं तो वो धर्म से ही बात हो सकती है। मैं ये विनती करता हूं कि ये जो आज जो समय है, ये सभी पार्टियों को इकट्ठे रल मिलकर चलने का समय है। भाईचारा आज पंजाब में, अगर आज देश की बात करूं और समूचे अगर मैं पूरे प्रचंड की बात करूं, तो भाईचारा बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब साथ मिलके। सर आपसे सवाल क्या है, आप बता क्या रहे हैं, आपके ओपोनेंट्स आपसे सवाल क्या कर रहे हैं, आप जवाब क्या दे रहे हैं? प्रीतपाल सिंह जी, अदिति जी मैं एक बात करना चाहता हूँ, आप मुझे टाइम नहीं दे रहे, फिर उसके बाद आप अपना कॉमेंट रखिएगा सर प्लीज। जी अदिति जी, बात सीधी सी है, देश की पार्लियामेंट चल रही है, सभी ने इस चीज की निंदा करी जो हुआ वहां पे। क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का कोई ट्वीट दिखा आपको? देश के गृह मंत्री ने बोला इस चीज का, उस चीज पे डिस्कशन नहीं होनी चाहिए कि कौन साजिश रच रहा है वहां पे? देश में इस चीज की भी डिस्कशन होनी चाहिए कि हमारे गुरु के ऊपर हमला करने लोग पहुंच गए। और नवजोत सिंह सिद्धू जो बात कर रहे हैं आज फांसी की, मैं कह रहा हूं वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बनाकर गई थी, आज आजीवन कारावास का ये लागू नहीं होने देने जाते, ये सिर्फ और सिर्फ अपना राजनीतिक एजेंडा चाहते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू उसे प्रमोट कर रहा है। चन्नी साहब ने जवाब दिया है, अलर्ट है पंजाब में चुनाव से पहले धार्मिक भावनाएं भड़काने का अंदेशा है, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाने की सलाह दी गई है। तो सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पंजाब सरकार को अलर्ट दिया गया है, धार्मिक भावनाएं भड़काने का अंदेशा है, चुनाव है पंजाब में उससे पहले और लगातार, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि इसके चुनावी कनेक्शन पर बात होनी चाहिए। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाने की सलाह भी दी गई है। महेश इंदर सिंह जी, एक सवाल सीधा पूछना चाहता हूँ, जो कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन इधर बैठा है, कि मैं ठीक है सिद्धू साहब को ये जस्टिफाई करते हैं, ठीक है इनकी जो सोच है, मन्नू सिंह भी इसको अपोज करते हैं। मैं पूछता हूं कि जब इन्होंने दरबार साहब और अकाल तख्त को डिमोलिश किया 1984 में, उसके बाद मिसेज इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ, उस कातल को वो जस्टिफाई तो कर, उसको जब हम बोलते हैं कोई बात तो ये कहते हैं ये देशद्रोही है। अगर दरबार जिसने गुरु साहब की बेदबी वाले ठीक आपने बहुत की अच्छा किया, तो यही बात मैं पूछता हूँ कि वो कांग्रेस प्रवक्ता कहेगी उस पर इनका क्या स्टैंड है? प्रणव धवन जवाब।
गरेवाल साहब, कल चन्नी साहब माननीय मुख्यमंत्री पंजाब खुद वहां पर श्री दरबार साहिब भड़काऊ बयानबाजी करके बिल्कुल ठीक है। सिद्धू साहब वाली बात को आप मानते हैं? आप कहते हैं इंदिरा गांधी के मैटर के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरी बात ऐसे ना बात करिए, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पुष्पाइन पंजाब। तो मैं वक्त नहीं जाया करना चाहती आपसे मेहमानों का, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक सवाल जो हमने आपसे पूछा यानी हमारे दर्शकों से पूछा, बेअदबी पर सरेआम फांसी वाला सिद्धू का बयान क्या तालिबानी है? लगातार आपकी राय हम तक पहुंची है, उस पोल के रिजल्ट्स आपको दिखा देते हैं। 94% लोग कह रहे हैं कि बेअदबी पर सरेआम फांसी वाला सिद्धू का बयान तालिबानी। 94% जो हमें रिएक्शंस मिले उनमें से 94% लोगों ने कहा कि ये बयान तालिबानी सोच दर्शाता है, 6% ने कहा कि ये बयान तालिबानी सोच का नहीं है।